उठाया पाइप और इस पाइप से बहुत प्यार से नींबू तोड़ेंगे। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं, जो मुझे देखते हैं वो तो ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि बस अब तो ख़त्म, अब कोई व्लॉग नहीं आने वाला। खैर, यहाँ पर बहुत टाइम से ये एक वीडियो शूट हुई हुई थी, मेरे फादर ने ये व्लॉग शूट किया हुआ था। उनका अक्सर औकात ढाबे जी जाना होता है। कराची के बाहर एक इलाका है जहाँ से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर फार्म हाउस है उनके दोस्त का। वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी लगाया हुआ है अब्बू के साथ मिलकर, तो उसके लिए जाना होता है अक्सर। तो उन्होंने एक व्लॉग पूरा शूट किया और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था व्लॉग। मैं सोच रही थी कि मैं ये डालूं कि नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा यार इतनी मेहनत से उन्होंने शूट किया तो डालना चाहिए अपनी चैनल पर। तो अब ये मैं डाल रही हूँ व्लॉग अपने चैनल पर। आधा वॉइस ओवर होगा और आधा उनकी आवाज़ में होगा। अच्छा, ये फार्म हाउस ऐसा है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे जानवर भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर मतलब मुर्गियाँ, बैल, बकरी और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर साथ में मतलब स्विमिंग पूल भी मतलब बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपरली बन चुका है, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी बड़े ज़मीन पर बना हुआ है, तो देखकर बहुत अच्छा लगा कि यार कराची में, मतलब समझ लो कराची के बाहर ही है ढाबे जी, उस एरिया में इतना बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है। अगर आपने गांव की लाइफ और दोनों, मतलब गांव की लाइफ और शहर की लाइफ इंजॉय करनी है, तो फार्म हाउस, इस तरह के फार्म हाउस जो हैं वो बहुत एक अच्छी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा फार्म हाउस बना था, जो लिविंग स्पेस थी वो मैं दिखा रही थी, एंड लुक एट दिस, वाओ कितना प्यारा लग रहा है, इसका इंटीरियर कितना प्यारा लग रहा था, इसमें जो फर्नीचर सेटिंग हुई हुई थी साथ में, मतलब कलर स्कीम सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बस किचन जो था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब टेम्प्ररी यूज़ के लिए तो समझ में आ रहा था ये किचन। वैसे भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन बाकी है, तो हो सकता है कि ये किचन वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो इसमें बने। तो यहाँ ये किचन है और यहाँ पर बड़ी सी जो विंडो लगी हुई है अभी, मतलब ये सब चीज़ें नई नई लगी हैं, तो हो सकता है किचन में भी थोड़ा सा और काम हो। और यहाँ देखें कि ये जो टीवी एरिया जो है उसके पीछे कितना प्यारा वॉलपेपर बना हुआ है। अच्छा, घर जो है ना मुझे इसी तरह के पसंद है कि जिसमें बड़ी बड़ी विंडोज़ हों और इस तरह के एरिया बने हुए हों, जिस तरह के लाउंज टाइप का एरिया होता है या कॉमन एरिया होता है जिसमें सब आकर बैठ सकें। और यहाँ पर देखें कितना बड़ा रूम है, लेकिन फर्नीचर इसमें बहुत कम रखा हुआ था। इसका बेड जो है और साइड टेबल्स जो हैं बहुत प्यारी लग रही थी। देखें वॉशरूम भी बड़ा प्यारा बना हुआ था, मतलब इसका सिंक जो है वो मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सिंक। सिंक देखा आपने कितना प्यारा लगा था, मुझे इस तरह के सिंक जो हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। अब ये जो है ये दूसरा रूम है, और ये जो मैं आपको कह रही थी ना कि छोटा सा फार्म हाउस, इतना भी छोटा फार्म हाउस नहीं है, लेकिन ज़मीन के हिसाब से ये बहुत छोटे एरिया पे बना हुआ है। चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। दिख नहीं रहा अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है। और सुबह सुबह आप यहाँ से उठो और बाहर निकलो और इतना अच्छा मंज़र देखे, तो किसका दिल करेगा कि यहाँ से वापस जाए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर नींबू तोड़ रहे हैं, नींबू के, नींबू का पौधा है ये और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ था, तो नींबू तोड़े यहाँ से डंडे की मदद से। ये सिटिंग एरिया है, उसके ऊपर सोलर लाइट्स लगी हुई हैं, और ये खूबसूरत से गमले जो तैयार होके भी लगेंगे इधर एंट्री पॉइंट पे। ये तो झूले हैं, ये रास्ता सीधा जाता है स्विमिंग पूल में, यहाँ दो स्विमिंग पूल हैं। ये
देखिए असील मुर्गियाँ हैं, सारी असील मुर्गियाँ हैं, वो एंजॉय कर लिए फार्म हाउस में। ये देखें ये भैंसे और गायों के लिए ये जगह बनाई हुई है इस तरह। फिर ये फॉर्म में इस तरह इधर आते हैं, इधर में ये इस तरफ जो है ये शरीफे के दरख्त हैं, अनार के दरख्त हैं, चीकू है, तो देखें बकरी भी घूम रही है। सही है इस तरह। और ये है जी बड़े बेरों का दरख्त, इसमें फल लगा हुआ है, ये देखें आपको, ये अभी छोटे हैं बेर, इसमें बड़े बड़े भी होंगे वो आपको अभी नज़र आते हैं। मसल में जितने भी हैं वो परिंदे तोड़ लेते हैं, और ये देखें तोड़ के ये नीचे गिरे में जो परिंदे खा लेते हैं। देखिए ये भी एक हमने कंपोस्टिंग के लिए रखा हुआ है, ये पूरा एक ये भी कंपोस्टिंग के लिए रखा हुआ है, इसमें भी कंपोस्टिंग होती है। और ये आपको जो नीम का बहुत बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमने वर्मी कंपोस्ट के दो बेड लगाए हुए हैं, ह्यूज ट्री, वेरी ह्यूज ट्री। ये देखिए और ये देखें ये दो वर्मी कंपोस्ट के बेड़े बने हुए, सही ना, ये दो वर्मी कंपोस्ट के बेड़े हमारे। और ये खूबसूरत चेयर्स, पौधा दिखाते हैं आपको जी, बड़ा नींबू का पौधा है ये, इसमें नींबू लगे हुए हैं बेशुमार। अभी आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, ये मैंने बहुत सारे नींबू तोड़े हैं जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। और ये हमने देसी जुगाड़, ये उठाया पाइप, और इस पाइप से बहुत प्यार से नींबू तोड़ेंगे, ये देखें। ये है नींबू तोड़ने का सही तरीका। आता ये घूम घूम के तोड़ने, ये देखें जी ये है नींबू तोड़ने का सही तरीका। ये है नींबू टूटे हुए, देख लो जी, सही है। ये लगे हुए हैं जनाब बेर, और ये बेर हैं, अब इनको तोड़ने का मसला है क्योंकि ढूंढने पड़ते हैं। और ये फार्म के पिछली तरफ से दूसरे फॉर्म में जाने का रास्ता है, ये जो बनाया अभी इन्होंने जंगल को काट के, ये सारा इधर, ये देखिए ये जंगल है, इधर दरख्त वगैरह जो थे वो इन्होंने रास्ते में काटे हैं, काट के इन्होंने रास्ता बना दिया।